ऑल राइट क्लास, तो पिछले सेशन में हमने सिंपल पैरिटी चेकिंग चेक डिस्कस की थी फॉर एरर डिटेक्शन, और उसमें हमने देखा था कि एक सिंपल पैरिटी अप्रोच थी, एक लॉन्गिट्यूडनल पैरिटी अप्रोच थी, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या वीकनेसेस हैं और क्यों वो हर किस्म का एरर डिटेक्ट नहीं कर सकती। अब उस अप्रोच को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए साइक्लिक रिडंडेंसी चेक या CRC इस्तेमाल किया जाता है, वो हमने आज डिस्कस करना है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमने आज डिस्कस करना है, दैट इज मैक एड्रेसिंग एंड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो CRC बिट्स कैसे ऑपरेट करते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो है कैसे ऑपरेट करते हैं। तो पहली चीज तो ये कि लेट सपोज सेंडर ने K बिट्स का डेटा सेंड करना है। सबसे पहले सेंडर और रिसीवर जो है वो अग्री करेंगे इन एडवांस, उन्हें एक्चुअल ट्रांसमिशन से पहले अग्री करना है। एक स्ट्रिंग के ऊपर एक N+1 बिट का स्ट्रिंग होगा जिसे जनरेटर कहते हैं या डिवाइजर भी कह सकते हैं, और ये लेट सपोज G है। अब क्या होगा कि N रिडंडेंट बिट्स इस K बिट मैसेज को अपेंड की जाएंगी, यानी ये K बिट्स डेटा है और इसके आगे N बिट्स जो है वो अपेंड की जाएंगी, और ये N बिट्स बेसिकली CRC बिट्स होती हैं, और फिर मैसेज जो है सेंड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखें कि अगर डिवाइजर जो है या जनरेटर जो है वो N+1 बिट्स का है, तो जो CRC बिट्स होंगी वो N होगी, यानी जनरेटर से एक कम होगी। ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो हम अभी देखते हैं। और बेसिकली CRC में होता क्या है कि K बिट्स का डेटा है, N बिट्स की CRC बिट्स अपेंड होती है, और फिर जो है इस पैकेट को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो CRC बिट्स जो होती हैं वो चूज कैसे की जाती हैं? तो बेसिक रूल ये है कि CRC बिट्स ऐसे सिलेक्ट होनी चाहिए कि जो आपका रिजल्टिंग K+N बिट्स का पूरे का पूरा स्ट्रिंग बन रहा है, यानी K बिट्स ऑफ डेटा प्लस N बिट्स ऑफ जो CRC है। ठीक है, तो इन सारी बिट्स को अगर आप G जो कि जनरेटर था या डिवाइजर था उससे अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर शुड कम टू 0, यानी CRC बिट ऐसी होनी चाहिए कि K और N जो है उसको जब आप G से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, और रिसीवर जो है वो रिसीवर को जब ये डेटा मिलेगा, यानी K बिट्स ऑफ डेटा प्लस N CRC बिट्स, तो वो जो है इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को G से डिवाइड करेगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाते हैं तो उसका मतलब है कि एरर नहीं था, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो रिसीवर समझ जाएगा कि इस ट्रांसमिशन के अंदर कोई एरर हुआ है और उस पैकेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी ज्यादा डिटेल में जाते हैं कि CRC बिट्स कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो लेट सपोज कि आपका जो G है, जो जनरेटर है, वो N डिग्री है। N डिग्री का मतलब है कि जो G स्ट्रिंग होगा उसकी लेंथ जो है वो N+1 बिट्स होगी। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि आपके पास जो ओरिजिनल डेटा था, जो K बिट्स का डेटा था, ठीक है, उसके आगे आप 0 अटैच करेंगे। कितने 0? N जीरोस। यानी मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर आपका G जो है वो N+1 बिट्स का एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो आप उस लेंथ से एक कम, यानी N जीरोस को अपेंड कर देंगे आपका जो ओरिजिनल डेटा है, जो ओरिजिनल K बिट्स हैं डेटा की। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप मॉड्यूलर 2 डिवीजन करते हैं। इसका हम अभी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जो एक्सटेंडेड डेटा यूनिट है, यानी K बिट्स ऑफ डेटा एंड N बिट्स जो कि आपने 0 लगाए थे, इन सारे को आप G से डिवाइड करेंगे। G डिनोमिनेटर होगा और एक्सटेंडेड डेटा यूनिट जो है वो न्यूमरेटर होगा, वो ऊपर आएगा बेसिकली। और जो रिमाइंडर होगा इस डिवीजन का, फाइनल रिमाइंडर, वो आपकी CRC बिट बन जाएगी, और जो क्वेश्चन वाली वैल्यू है उसे आप इग्नोर कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। और ये जो CRC बिट्स आपके पास आ गई हैं, अब ये CRC बिट्स रिप्लेस कर देंगी जो आपने N जीरोस अपेंड किए थे,
ठीक है, उन जीरोज की जगह ये सीआरसी बिट्स आ जाएंगी और आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ये एग्जांपल है, ठीक है। लेट सपोज आपका ओरिजिनल डेटा जो है वो 100100 है, आपका जो जनरेटर है वो 1101 है। अब जनरेटर क्योंकि 4 बिट्स है तो इसलिए इस ओरिजिनल डेटा के आगे आप 4-1 यानी 3 जीरो अपेंड कर देंगे, ठीक है। अब ये आपका एक्सटेंडेड डेटा यूनिट आ गया है, इसको आपने डिवाइड करना है डिवाइजर से जो कि जनरेटर है, जी है बेसिकली। ऑलराइट, अब डिवीजन कैसे होगी? आप देखेंगे कि पहली बिट, अब लेट्स सपोज आपने शुरू के 4 बिट्स ले लें, अब आप देखें कि लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो 1 है कि नहीं। अगर 1 है तो आप क्वेश्चन के अंदर 1 लेंगे और जो नॉर्मल आपकी डिवीजन होती थी, अगर यहां पे 1 आया है तो दैट मींस कि इधर जो है 1101 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपने माइनस करना है जो कि नॉर्मल डिवीजन में आप करते थे, यानी इस में से आपने इसको माइनस करना है, ये नॉर्मल डिवीजन थी। यहां पे हम क्योंकि मॉड्यूलर 2 अरिथमेटिक कर रहे हैं तो आप नॉर्मल डिवीजन सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे इन दोनों वैल्यूज को, इसको और इसको एक्सोर कर देंगे, बिट वाइज एक्सोर। एक्सोर क्लास क्या होता है? बेसिकली सिंपल लॉजिकल ऑपरेटर है कि 0 एक्सोर 0 किया है तो रिजल्ट 0 है, 0 एक्सोर 1 या 1 एक्सोर 0 किया है तो रिजल्ट 1 होता है, और 1 एक्सोर 1 जो है उसका रिजल्ट 0 होता है। बेसिकली एक्सोर इज एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और का मतलब यह है कि आप जिन दो बिट्स को एक्सक्लूसिव और कर रहे हैं उन दोनों में से अगर सिर्फ एक बिट 1 है तो आपका रिजल्ट 1 होगा, अगर दोनों बिट्स 1 है या दोनों बिट्स 0 है तो आपका रिजल्ट जो ऑपरेशन का है वो 0 होगा, ठीक है। एनीवे कमिंग बैक टू दिस, तो जब आप 1 और 1 को एक्सोर करते हैं तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, 0 और 0 को एक्सोर किया तो रिजल्ट 0 आ गया, 0-1 को एक्सोर किया रिजल्ट 1 आ गया, और 1-1 को एक्सोर किया रिजल्ट 0 आ गया। इस बिट को आप इग्नोर कर देंगे, जो रिमेनिंग 3 है उसके आगे ये अगले वाली बिट आ जाएगी, तो अब 4 बिट्स 1-0-0-0 हो गई है। क्योंकि लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है तो वंस अगेन क्वेश्चन में 1 आएगा, जहां पे आप 1-1-0-1 जनरेटर को लिख देंगे और फिर वंस अगेन इन दोनों को आपने एक्सोर करना है, तो आपका रिजल्ट 1-0-1 आ गया, ठीक है। फिर से अगला जीरो आपने बोरो किया, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है तो यहां पे 1 आ गया 1-1-0-1, इसे दोबारा आपने एक्सोर किया और ये प्रोसेस आप रिपीट करते रहेंगे। इवेंचुअली क्या होगा कि एक रिजल्ट आया है जिसमें लेफ्ट मोस्ट बिट यानी 1-1-1-0 में से आपने जब 1-1-0-1 को एक्सोर किया तो आपका रिजल्ट 0-1-1 आ गया, ठीक है। अगला जीरो आपने बोरो किया, अब क्योंकि लेफ्ट मोस्ट बिट 0 है तो अब आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन में 1 की बजाय आप 0 ले लेंगे, और क्योंकि क्वेश्चन में 0 है तो दैट मीन 0 मल्टीप्लाई बाय दैट डिवाइजर वो 0 होता है, तो यहां पे 0-0-0-0 आ जाए। अब इन दोनों को एक्सोर करें तो रिजल्ट क्या है 1-1-0, और यहां से आपने अगली वैल्यू 0 आखिरी बिट 0 ले ली, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है तो वंस अगेन क्वेश्चन के अंदर 1 आ जाएगा, नीचे 1-1-0-1 आ गया, इन दोनों को आपने एक्सक्लूसिव और किया तो रिजल्ट 0-0-1 आ गया, ठीक है। क्लास आगे जो है आपने क्योंकि सारी की सारी बिट्स जो इस एक्सटेंडेड डेटा यूनिट में थी वो इस्तेमाल हो गई है तो इसलिए आपकी डिवीजन खत्म हो जाएगी और एंड पे जो आपकी 3 बिट्स बची हैं, चौथी वाली को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ये 3 बिट्स जो बची हैं ये आपका रिमाइंडर है, और ये रिमाइंडर जो है ये बेसिकली आपका सीआरसी बिट बन जाएगा, क्वेश्चन को आप इग्नोर कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो बेसिकली अब क्या होगा, ओरिजिनल डेटा जो था वो 1-0-0-1-0-0 था और जो आखिरी 3 बिट्स आपने अटैच की थी 0-0-0 की, उन 3 बिट्स की जगह रिमाइंडर आ जाएगा विच इज द सीआरसी बिट्स और वो है 0-0-1, तो आप जो ट्रांसमिट करेंगे वो होगा 1-0-0-1-0-0 फॉलोड बाय
001 which is the CRC bit. तो क्लास ये आपका सिंपल अप्रोच है सीआरसी कैलकुलेट करने की। मैं फिर समराइज कर दूं कि आपने जब भी ट्रांसमिशन करनी है आप ओरिजिनल के बिट्स को लेते हैं, उन के बिट्स के आगे आप एंड बिट्स अटैच करते हैं जीरो की, और फिर इस पूरे डेटा को आप डिवाइड करते हैं विद द डिवाइजर जो कि जनरेटर होता है, और जनरेटर की लेंथ जो होती है वो एन प्लस वन बिट्स की। यानी अगर तीन जीरो इधर अटैच हुए हैं तो जनरेटर की लेंथ जो है वो चार होगी। और इसमें जो आप डिवीजन करते हैं वो रेगुलर डिवीजन नहीं होती, वो अरिथमेटिक मॉड्यूलर टू अरिथमेटिक डिवीजन होती है, विच मींस कि आप एक्सक्लूसिव और इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और रूल ये है कि जब आपने दो वैल्यूज को एक्सक्लूसिव और किया है तो जो तीन बिट्स रिसीव हुई है उनकी अगर लेफ्ट मोस्ट बिट वन है तो क्वेश्चन के अंदर अगली वैल्यू वन आएगी, और अगर लेफ्ट मोस्ट बिट जीरो है, तीन बिट्स, चौथी बिट नहीं आप ट्रीट करते, मैं फिर रिपीट करता हूं, तो अगर वो जीरो है तो क्वेश्चन के अंदर आप जीरो लाएंगे और यहां पे जो है वो जनरेटर की बजाय फिर और जीरोस आ जाएंगे और इनको आप वन बाय वन एक्सक्लूसिव और करी जाएंगे। और जब आपकी डिविजन पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी तो जो एंड रिमाइंडर आपको मिलेगा दैट रिमाइंडर वुड बी द सीआरसी बिट। ठीक है, तो जो सीआरसी की परफॉर्मेंस है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, तो वो बेसिकली डिपेंड करती है कि आपने जो जनरेटर पॉलिनोमियल लिया, जो जी लिया है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या थी। अगर जी एक अच्छा रीजनेबल चॉइस है तो इन दैट केस क्या होगा कि आपका जो सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एरर डिटेक्शन मेथड जो है वो सारे बर्स्ट एरर को डिटेक्ट कर लेगा। बर्स्ट एरर का मतलब है कि आपकी कंटिगुअस ब्लॉक ऑफ बिट्स जो है वो चेंज हो गया, करप्ट हो गया, ठीक है। तो बर्स्ट एरर डिटेक्ट कर लेगा अगर उनमें ऑड नंबर ऑफ बिट्स इफेक्ट हुई है, नंबर वन, इस तरह का हर एरर डिटेक्ट हो जाएगा। नंबर टू, हर बर्स्ट एरर जिसकी लेंथ जो है लेस देन और इक्वल टू जी है वो सारे एरर भी डिटेक्ट हो जाएंगे। यानी प्रोवाइडेड आपकी नंबर ऑफ बिट्स जो चेंज हुई है वो लेस देन और इक्वल टू जी लेंथ है तो वो एरर डिटेक्ट हो जाएगा। और लास्टली अगर आपकी जी की जो लेंथ है उससे ज्यादा बिट्स चेंज हुई है आपके पैकेट में तो इन दैट केस टू सीआरसी जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी के साथ, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी के साथ सारे एरर्स को डिटेक्ट कर लेगा। यानी पहले दो जो हमने एग्जांपल किए थे ऑड नंबर ऑफ बिट्स वाला एरर और वेयर द नंबर ऑफ बिट्स इज लेस देन जी, तो वो तो सारे के सारे डिटेक्ट हो रहे हैं, उसके अलावा जो एरर हैं वो भी हाई प्रोबेबिलिटी के साथ डिटेक्ट हो जाएंगे। और सम वेल नोन जनरेटर जो आपके लिटरेचर में इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं, एक सीआरसी 8 है और उसमें 100000011 इस्तेमाल होता है, एक सीआरसी 16 है उसमें ये स्ट्रिंग इस्तेमाल होते हैं पॉपुलर है, और सीआरसी 32 बहुत कॉमन है क्योंकि जो ईथरनेट है, जो लैन है, उसमें ये इस्तेमाल होता है एरर डिटेक्शन के लिए। और ये जो 32 बिट्स इस्तेमाल होती हैं वो यूजुअली ये वाली बिट्स होती हैं, ठीक है। तो ये कॉमन है और काफी पॉपुलर है। आखिरी पॉइंट एरर डिटेक्शन में, नेट पर मैंने एक अच्छा खूबसूरत एग्जाम्पल देखा था इस चीज को क्लियर करने के लिए कि एरर से, वन बिट एरर से क्या फर्क पड़ जाता है। यानी आप लोग कह सकते हैं कि एक बिट अगर पैकेट में चेंज हो गई है तो उससे कितना फर्क पड़ जाएगा, तो क्लास उसमें पोटेंशियली काफी फर्क पड़ सकता है। यानी ये चीज देखें कि लेट सपोज आपका एक ओरिजिनल इमेज था वॉटरफॉल का, अब लेट सपोज इसमें हर दसवीं बिट जो है वो करप्ट हुई है, यानी 10% जो है आपका एरर आ गया, तो इन दैट केस आपका इमेज जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। और अगर ज्यादा हाई एरर, हाई बिट रेट है कि यानी हर दूसरी बिट जो है वही आपकी करप्ट हो रही है, तो इन दैट केस ये इमेज बन जाएगा और आपको नजर आ रही है कि इसमें से कुछ भी डिसर्न करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन एक जरूरी एस्पेक्ट होता है, ठीक है। ये हमने देखा था कि एरर डिटेक्शन TCP में भी इस्तेमाल होता है, एरर डिटेक्शन जो है ईथरनेट के अंदर भी इस्तेमाल होगा,
और अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर भी आप एरर डिटेक्शन कर सकते हैं। ऑलराइट क्लास, अगला जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज मैक एड्रेसिंग, और उससे एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का। तो मैक एड्रेसिंग जो है उसे हम कंपेयर करते हैं अभी आईपी एड्रेस के साथ। तो आईपी एड्रेस जो हमने अभी तक किए थे आईपी वर्जन 4 में वो 32 बिट आईपी एड्रेस थे, ठीक है। और जो नेटवर्क लेयर पे इंटरफेसिंग होती है, जो नेटवर्क लेयर एड्रेस होता है, ये बेसिकली 32 बिट उस लेयर के ऊपर इस्तेमाल होता था। तो जो भी आपकी पैकेटिंग पैकेट फॉरवर्डिंग होनी है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो उसमें आप आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल करते थे, यानी एक सोर्स का आईपी एड्रेस था और एक डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस था। और इंटरमीडिएट राउटर्स पे जब भी कोई पैकेट आता था तो वो राउटर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को एक्सप्लोर चेक करते थे और बेस्ड ऑन दैट डिसाइड करते थे कि ये पैकेट कहाँ पे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। और आईपी एड्रेस जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड एड्रेस होता था। स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है कि जो आईपी एड्रेस की बिट्स होती थी वो एक लोकेशन को, एक लोकेशन की हायरार्की को भी डिस्क्राइब करती थी। इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं, फॉर एग्जांपल कि लेट सपोज पीटीसीएल ने एक ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेसेस खरीदा है, तो उनकी जो स्टार्टिंग बिट्स थी वो पीटीसीएल के नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती थी। अब लेट सपोज पीटीसीएल ने जो भी एड्रेसेस दिए उनमें से एक ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस यूएमटी को साइन कर दिए, एक ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस लम्स को साइन कर दिए, एक ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस फास्ट को साइन कर दिए। तो अब क्या होगा कि शुरू की जो बिट्स थी वो तो पीटीसीएल को रिप्रेजेंट कर रही है, अगली जो कुछ बिट्स होंगी वो फास्ट यूएमटी और लम्स को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। यूएमटी पे आ जाए, अब लेट सपोज यूएमटी का नेटवर्क है तो यूएमटी के एडमिनिस्ट्रेटर ने फर्दर अपने होस्ट एड्रेसेस को स्प्लिट कर दिया था इनटू स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग नेटवर्क, स्कूल ऑफ सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क, स्कूल ऑफ बैंकिंग का नेटवर्क जो है, और इस तरीके से मल्टीपल सब नेट्स में स्प्लिट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि अब आपके पास जो आखिरी आईपी एड्रेस पड़ा होगा वो एक होस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसकी शुरू की बिट्स बताएंगी कि ये होस्ट जो है ये एसएसटी की है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की है कि स्कूल ऑफ बिजनेस की है। उससे पहली वाली बिट्स बताएंगी कि ये बिट्स जो है फास्ट की है, लम्स के नेटवर्क की है कि यूएमटी के नेटवर्क की है, और उससे पहले वाली बिट्स बताएंगी कि ये पीटीसीएल के नेटवर्क की है, वारिद की, वतीन की, किस नेटवर्क की है। तो कहने का मतलब है कि एक हायरार्की सी थी जो कि पूरे के पूरे आईपी एड्रेस पे रिप्रेजेंट होती थी। मैक एड्रेस की जब बात करते हैं तो मैक एड्रेस जो है वो एक फिजिकल लेयर का एड्रेस है, डेटा लिंक लेयर एड्रेस है, ठीक है। आपका जो ये 48 बिट का एड्रेस होता है, ठीक है, और जो आपकी मशीन होती है उस पर जो इंटरफेस कार्ड होता है ये बेसिकली इंटरफेस कार्ड के ऊपर बर्न इन होता है, यानी आप जब फैक्ट्री से खरीदते हैं तो फैक्ट्री बर्न कर देती है उसकी हार्डवेयर के अंदर कि इस इंटरफेस कार्ड का ये 48 बिट एड्रेस है और ये फिक्स्ड है, ठीक है। हैविंग सेड दैट सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसे एडिट कर सकते हैं, पर जो नॉर्मल यूजेज होती है उसमें होता है कि आपने एक कार्ड खरीदा है या आपका जो भी डिवाइस है उसमें अगर कार्ड लगा हुआ आया है फ्रॉम द फैक्ट्री तो उसमें एक फिक्स्ड 48 बिट मैक एड्रेस होता है। अगला पॉइंट है कि जो 32 बिट आईपी एड्रेस था उसके लिए हमने डॉटेड डेसिमल नोटेशन इस्तेमाल की थी, विच मीन्स के हर 8 बिट्स को आप रिप्रेजेंट करते थे यूजिंग अ डेसिमल नंबर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255। मैक एड्रेस को जब आपने रिप्रेजेंट करना होता है तो आप डॉटेड डेसिमल नोटेशन नहीं इस्तेमाल करते, आप बेसिकली हेक्साडेसिमल इस्तेमाल करते हैं और हर 4 बिट्स को जो है आप रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल बेस 16 नोटेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका मैक एड्रेस है। आपका जो लैन होता है, लैन आपका जो भी लैन है उस पर जितने डिवाइसेस हैं, ठीक है, हर डिवाइस के साथ एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है और हर इंटरफेस कार्ड का एक अलग लैन एड्रेस या मैक एड्रेस होता है। बाय द वे क्लास, मैं डेटा लिंक लेयर एड्रेस का हूँ, मैक एड्रेस का हूँ,
लैन एड्रेस कहूं ठीक है या फिजिकल एड्रेस कहूं, तो ये सारे इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं ठीक है। बाय द वे मैक एड्रेस का क्या मतलब होता है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और लैन तो आपको पता ही है लोकल एरिया नेटवर्क ठीक है। और बाय द वे यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं कि आपका एक नेटवर्क के अंदर अगर एक राउटर एग्जिस्ट करता है तो उस राउटर के ऊपर जितने इंटरफेस कार्ड लगे होते हैं उस हर इंटरफेस कार्ड का एक अलग आईपी एड्रेस होता है और एक अलग मैक एड्रेस होता है। यानी कहने का मतलब है कि आपके नेटवर्क पे अगर एक राउटर है और उसके चार या पांच आउटगोइंग लिंक्स हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर आउटगोइंग लिंक का सेम मैक एड्रेस होगा या सेम आईपी एड्रेस होगा। ये मतलब नहीं है कि राउटर का एक एक, एक मैक एड्रेस है या एक आईपी एड्रेस है, नहीं, राउटर पे जितने इंटरफेस कार्ड होंगे सारों का एक अलग मैक एड्रेस होगा, एक अलग आईपी एड्रेस होगा। सेम गोज फॉर द एंड होस्ट, अगर एक लैपटॉप कनेक्टेड है नेटवर्क के साथ तो उस लैपटॉप पे अगर वायरलेस कार्ड है तो उसका एक अलग मैप और आईपी एड्रेस होगा, और अगर एक इथरनेट कार्ड भी है जो कि कॉपर वायर वाला कार्ड है तो उसका एक अलग आईपी और मैक एड्रेस होगा। तो ये मशीन का नहीं होता, बेसिकली ये एड्रेस जो है उस मशीन के साथ जितने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे हुए हैं ये उनके एड्रेस होते हैं ठीक है। और मैक एड्रेस जो है वो साइन कौन करता है, एलोकेट कौन करता है, तो IEEE है, उसके पास जो है अथॉरिटी है मैक एड्रेसेस एडमिनिस्टर करने की, लोगों को एलोकेट करने की ठीक है। कोई भी फैक्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरर होता है जो कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाता है, तो वो एक पूरे का पूरा ब्लॉक खरीदता है और अपने जितने डिवाइसेज हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई मोबाइल फोन बना रहा है, तो उस मोबाइल फोन की कंपनी जो है वो एक ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस खरीद लेगी और हर मोबाइल फोन को एक अलग मैक एड्रेस असाइन कर देगी ठीक है। हमने पहले जो बात की है, मैक एड्रेस फ्लैट होता है ठीक है, आईपी एड्रेस हायरार्किकल होता है। फ्लैट का मतलब है कि आप दुनिया के किसी नेटवर्क पे चले जाएं आपका मैक एड्रेस चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड होगा, और मैक एड्रेस से आप कोई इन्फर नहीं कर सकते कि ये किस नेटवर्क का हिस्सा है। आईपी एड्रेस जो है वो हायरार्किकल होता है और आप जिस सबनेट को बिलोंग करते हैं आपका आईपी एड्रेस जो है उसकी स्टार्टिंग बिट्स जो है वो उस सबनेट को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, जो कि हमने ऑलरेडी बात कर ली है। ऑलराइट, तो अब सवाल ये आता है कि हाउ डज अ डिवाइस डिटरमिन द मैक एड्रेस ठीक है ऑफ द डेस्टिनेशन। यानी कहने का मतलब है कि लेट सपोज आपका एक लैन है, एक्चुअली नेवर माइंड, लेट सपोज आपकी एक मशीन ने किसी और मशीन को पैकेट भेजना है ठीक है। अब मैं फिर इस चीज को रिपीट कर दूं एड नॉजियम, ये मैं काफी दफा रिपीट कर चुका हूं कि आपने जब भी ट्रांसमिशन करनी है तो आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर एड्रेस होता है वो डिटरमिन करता है कि एंड मशीन की किस प्रोसेस को पैकेट जाएगा। आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो डिटरमिन करता है कि आपकी किस एंड मशीन को पैकेट जाएगा। आपका जो मैक एड्रेस होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी हॉप बाय हॉप ट्रांसमिशन के लिए। यानी आप अपने घर से UMTS के किसी सर्वर को एक पैकेट भेजना चाहते हैं तो वो सबसे पहले आपके कंप्यूटर से आपके वायरलेस राउटर तक पैकेट जाएगा, ये आपका वायरलेस प्रोटोकॉल डन कर रहा है, और ये जो हॉप बाय हॉप कम्युनिकेशन होगी इस पे जो मैक एड्रेस होगा वो सोर्स मैक एड्रेस आपकी मशीन का होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपके वायरलेस राउटर का होगा। अब जब वायरलेस राउटर से ISP के राउटर के बीच में कनेक्शन बनेगा ठीक है, तो वो कनेक्शन जो है उसमें जब पैकेट ट्रेवल करेगा तो उसका सोर्स मैक एड्रेस उस राउटर का होगा, वायरलेस राउटर जो आपके घर के, और जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो ISP के राउटर का होगा। नोट करें कि आपका प्रोटोकॉल भी चेंज हो गया है, आपका इथरनेट हेडर भी चेंज होगा, और हेडर में जो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज नहीं होगा, नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को हाथ नहीं लगाया जाएगा, सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वही रहेंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वही रहेंगे। तो सवाल ये है कि हर हॉप पे आपको पता कैसे लगेगा कि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है, तो उसके लिए आप
एआरपी या एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। हर मशीन के अंदर एक एआरपी टेबल होता है, ठीक है, उस टेबल के अंदर बेसिकली एक एंट्री पड़ी होती है और उस एंट्री में क्या पड़ा होता है, आईपी एड्रेस, ठीक है, उस आईपी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस, और तीसरी वैल्यू होती है टाइम टू लिव, कि इतनी देर तक ये एंट्री वैलिड रहेगी, उसके बाद एआरपी टेबल से रिमूव कर दी जाएगी और फिर आपको दोबारा से असेस करना पड़ेगा कि इस आईपी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। और इसकी वजह क्या है क्लास, आप टीटीएल क्यों रखते हैं, यानी एक बार आपने एक एंट्री साइन कर दी तो हमेशा हमेशा के लिए रखें, तो उसका जवाब ये है कि आपको पता है कि हम जब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डीएचसीपी इस्तेमाल करते हैं तो वो एक मशीन को एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, उस टाइम के अंदर अगर रिन्यू नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मशीन ऑफलाइन हो गई है, तो अब क्या होगा कि वो आईपी एड्रेस किसी और मशीन को साइन हो जाएगा, तो अब अगर किसी और मशीन को साइन हो गया तो दैट मीन्स कि उस आईपी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैक एड्रेस है वो भी अब फिर अपडेट करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आपके जो एआरपी टेबल के अंदर एंट्री होती है उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसके बाद आप उसे रिमूव कर देते हैं, ताकि इन केस अगर वो आईपी एड्रेस अब किसी डिफरेंट मशीन को मिल गया है तो आप जो है पुराने वाले मैक एड्रेस पे पैकेट ना सेंड करी जाए, आपको पता हो कि उस आईपी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग नया मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। तो इसलिए ये बेसिकली आपकी एआरपी टेबल की एंट्री होती है। अब लेट सपोज आपकी एक मशीन ने उसी लैन के ऊपर, उसी सबनेट के ऊपर किसी और मशीन को पैकेट भेजना है, लेट्स सपोज ए ने बी को डेटाग्राम भेजना है। डेटाग्राम बाय द वे मैं रिपीट कर दूं कि ये नेटवर्क लेयर पैकेट जो होता है उसे आप डेटाग्राम कहते हैं, यानी इसके ऊपर आईपी एड्रेस लगा होता है और इसके अंदर जो पेलोड है, यानी आईपी हेडर लगा होता है और इसके अंदर जो पेलोड होता है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर का जो पेलोड है वो एप्लीकेशन लेयर होता है। तो डेटाग्राम बेसिकली वही पैकेट होता है जो कि नेटवर्क पे बना है। एप्लीकेशन लेयर पैकेट को आप मैसेज कहते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट को आप सेगमेंट कहते हैं और लिंक लेयर पैकेट को आप फ्रेम कहते हैं। एनीवे, तो ए ने बी को एक डेटाग्राम सेंड करना है, ठीक है, और लेट सपोज बी एक ए को बी का आईपी एड्रेस पता है पर मैक एड्रेस नहीं पता। ए क्या करेगा, एक एआरपी क्वेरी जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देगा पूरे के पूरे लैन में, पूरे नेटवर्क पे, ठीक है, उस नेटवर्क पे जितनी मशीन, यानी सब नेट की बात हो रही है, एक लैन, लैन बाय द वे क्या होता है, एक नेटवर्क जो कि राउटर की एक तरफ एग्जिस्ट करता है, राउटर की दूसरी तरफ जो नेटवर्क एग्जिस्ट करता है दैट वुड बी अ डिफरेंट सबनेट, अ डिफरेंट लैन, और राउटर जो है डिफरेंट लैंस को या डिफरेंट सबनेट को आपस में कनेक्ट करता है। तो एनीवे, जो आपकी एआरपी की क्वेरी होगी वो राउटर की एक तरफ ही रहेगी, राउटर उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, तो उस लोकल एरिया नेटवर्क में जितनी डिवाइसेज है उन सारों को क्वेरी जाएगी, उस क्वेरी का जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो ऑल वंस होगा, यानी उसमें जितनी बिट्स हैं 48 बिट्स वो सारी वंस होंगी। और बाय द वे ये FFF जो है ये बेसिकली ऑल वंस की हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। एनीवे, तो जब हर मशीन को पैकेट जाएगा तो मशीन चेक करेगी कि इस पैकेट के अंदर जो क्वेरी है उसमें आईपी एड्रेस क्या है, और सिर्फ बी का आईपी एड्रेस जो है वो उस क्वेरी वाले आईपी एड्रेस से मैच करेगा, बाकी मशीन रिप्लाई नहीं करेंगी, सिर्फ बी रिप्लाई करेगा और बी जो है वो एक पैकेट सेंड कर देगा, और उस पैकेट में क्या होगा, क्योंकि वो रिप्लाई है तो उसके हेडर से ए को पता लग जाएगा कि ये रिप्लाई जिस नोड से आई है उस नोड का सोर्स मैक एड्रेस क्या है। बेसिकली आपका जो हेडर होता है मैक हेडर, उसके अंदर सोर्स मैक एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तो वो जब पैकेट जो है बी जब एक पैकेट यूनिकास्ट करेगा, यानी ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, सिर्फ ए को भेजेगा क्योंकि उसे पता है कि रिक्वेस्ट ए की तरफ से आई थी, तो जब ए को पैकेट मिलेगा तो वो चेक करेगा कि इस पैकेट की सोर्स क्या है और उस सोर्स का मैक एड्रेस जो है उससे ए को पता लग जाएगा कि बी का जो आईपी एड्रेस था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस ये है, और वो जो है एआरपी के अंदर एंट्री बन जाएगी, ठीक है।
अब ए ने जितने भी पैकेट भेजने हैं बी को, उन पैकेट्स के ऊपर जो मैक एड्रेस बना होगा, ठीक है, वो मैक एड्रेस अपने एआरपी टेबल से ले लेगा, यानी एआरपी टेबल को देखेगा, हर पैकेट जनरेट करते हुए देखेगा कि इस पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, एआरपी टेबल से चेक करेगा इस आईपी एड्रेस की कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है, और फिर उस डेटाग्राम के ऊपर जो ईथरनेट का हेडर लगेगा या जो डेटा लिंक का हेडर लगेगा, उस हेडर का जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा वो उस एआरपी से जो लिया है वो डाल देगा, ठीक है। और ये जो है एआरपी इज अ प्लग एंड प्ले प्रोटोकॉल, विच मीन्स के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को किसी इंसान को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। जब भी आप कोई पैकेट सेंड करते हैं आईपी पैकेट, तो ऑटोमेटिकली आपका जो नोड है वो डिटरमिन करती है कि मेरे एआरपी टेबल में इस आईपी की कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस है कि नहीं, और अगर नहीं है तो वो प्रोसेस के थ्रू फाइंड आउट करेगा, और अगर है तो उसे इस्तेमाल करके पैकेट पे अटैच कर देगा उसके ईथरनेट हेडर में, ठीक है। तो ये तो था कि अगर सारे डिवाइसेस आपकी जो सोर्स और डेस्टिनेशन है वो एक ही लैन पे एग्जिस्ट करते हैं, अगर सोर्स और डेस्टिनेशन दो डिफरेंट लैन पे एग्जिस्ट करते हैं तो इन दैट केस क्या होगा, ये एक एग्जांपल करते हैं कि लेट सपोज ए ने बी को पैकेट सेंड करना है, ठीक है, अज्यूम के ए को बी का आईपी एड्रेस पता है, अज्यूम के ए को राउटर जो है गेटवे राउटर उसका जो अपने एंड वाला लिंक है, यानी राउटर का एक लिंक है जो कि ए के नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है और दूसरा इंटरफेस है जो कि बी के सबनेट में एग्जिस्ट करता है, तो अज्यूम करें कि ए को इस गेटवे राउटर के इस लिंक का आईपी एड्रेस पता है और मैक एड्रेस भी पता है, ठीक है, ओके। अगली बात यह है कि ए को कैसे पता लगेगा कि ये जो डेस्टिनेशन है ये मेरे नेटवर्क के ऊपर है कि किसी और नेटवर्क पे है। तो बेसिकली हमें पता है कि जब आप डीएचसीपी इस्तेमाल करते हैं तो डीएचसीपी ए को एक आईपी एड्रेस असाइन भी करता है, फिर ए को ये भी बताते हैं कि गेटवे राउटर का आईपी एड्रेस क्या है, गेटवे राउटर का मैक एड्रेस क्या है, और डीएचसीपी से ए को ये भी पता लग जाता है कि इस सबनेट का सबनेट मास्क क्या है, यानी जो आपका आईपी एड्रेस है उसकी जो शुरू की बिट्स हैं जो कि सबनेट को रिप्रेजेंट करनी है उन बिट्स की वैल्यू क्या है, तो उन बिट्स को देख के ए को पता लग जाता है, उन बिट्स को देख के ए को पता लग जाता है कि ये जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है ये मेरे नेटवर्क पे एग्जिस्ट करता है या किसी और नेटवर्क पे एग्जिस्ट करता है। अब जब ए ने डिटरमिन कर लिया कि ये किसी बी जो है किसी और नेटवर्क पे एग्जिस्ट करता है, तो अब ए क्या करेगा, ए को पता है कि अगर नेटवर्क से बाहर किसी और नेटवर्क को भेजना है तो फिर दैट मीन कि मैंने पैकेट जो है गेटवे को भेजना होगा, तो ए को पता है कि गेटवे का मैक एड्रेस क्या है, ठीक है, और अगर वो मैक एड्रेस नहीं पता तो ए जो है एआरपी क्वेरी सेंड करके इस आईपी एड्रेस की कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस ले लेगा, और फिर ए क्या करेगा कि जो भी पैकेट सेंड करना है उस पैकेट पे जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो तो बी होगा, सोर्स आईपी एड्रेस अपने का आईपी एड्रेस होगा, सोर्स मैक एड्रेस अपना होगा, और जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो बेसिकली राउटर के इस वाले इंटरफेस का होगा और पैकेट सेंड कर देगा। जब इस राउटर को पैकेट आया तो ये राउटर क्या करेगा, उस पैकेट को ईथरनेट हेडर को रिमूव करेगा, उसकी जगह एक नया ईथरनेट हेडर लगाएगा, उसका सोर्स मैक एड्रेस अपना होगा और इस लिंक का इस इंटरफेस का और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बी के इस इंटरफेस का होगा, और वो पैकेट को सेंड कर देगा। पैकेट जब रिसीव होगा तो बी देखेगा कि ये मेरे लिए डेस्टिन था, वो उसका ईथरनेट हेडर रिप्लेस करेगा, अंदर से आईपी नेटवर्क आईपी लेयर पैकेट निकालेगा और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। नोट करें कि मैक एड्रेस जो है अगर इस राउटर के एआरपी टेबल में ना होता तो जो हमने शुरू की स्लाइड में बात की थी कि एआरपी का मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है और उससे आईपी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस किया जाता है, तो बेसिकली राउटर जो है वो पूरे का पूरा प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करता और वहां से जो है अपने एआरपी टेबल को पॉपुलेट करता और उसे पता लग जाता कि बी के कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। क्लास विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर।